आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो व्यक्ति बाद सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। लोकतंत्र के महापर्व का समापन है और मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, रुझान भी आने शुरू हो गए, जहां आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं स्टूडियो में। अनिल सिंह कुशवाहा जी हैं, आरपी श्रीवास्तव सर हैं और राकेश शर्मा जी हैं, बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ संपादक जुड़ गए हमारे साथ, मनोज सिंह बघेल जी। मनोज जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में भी रुझान आने शुरू हो गए हैं और 5-4 का वहां पर रेशियो चल रहा है इस वक्त, और जिस तरह से कांग्रेस 4 बीजेपी 5 पर है, एक तरह से देखें एग्जिट पोल जो कह रहे थे वो तो अब देखा जाए छत्तीसगढ़ में, जैसा कि मैंने कहा भी था कि बिल्कुल अनुमानित नहीं है क्योंकि जो आंकड़े चल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की जो एग्जिट पोल थे उससे रुझान थोड़ा सा क्योंकि 4 पर पहुंची गई है वहां पर कांग्रेस, तो आप इसको कैसे देखते हैं क्योंकि रुझान भी वहां पर आ रहे होंगे आपके पास ताजा अपडेट के साथ। बिल्कुल, देखिए अभी तो हालांकि जो डाक मतपत्र हैं उनकी गिनती हो रही है और उसके मुताबिक जो रुझान है वो सामने आए हैं। अभी असली स्थिति जो है जब ईवीएम खुलने शुरू होंगे और उसके बाद जो रुझान आएंगे उससे सही आकलन किया जा सकेगा, लेकिन फिर भी एक परछाई जरूर मिल जाती है कि आमतौर पर देखा जाता है कि जो विनिंग कैंडिडेट होता है उन्हीं के फेवर में ज्यादा, डाक मतपत्र भी जो है उन्हीं के फेवर में ज्यादा होते हैं, तो इससे माहौल का प्रारंभिक आकलन जरूर होता है। तो इस हिसाब से अभी 9 अलग अलग स्थानों से 11 में से 9 जगहों से प्रारंभिक रुझान आए हैं डाक मतपत्रों की जो गिनती हो रही है उसके आधार पर, और उसमें ये बताया जा रहा है कि 5 सीटों पर भाजपा आगे है और 4 सीटों पर कांग्रेस आगे है। जिस तरह से हमने स्वराज एक्सप्रेस ने पूर्वानुमान बताया था, एग्जिट पोल जो हमने कराया था उसके आधार पर ये बताया था कि छत्तीसगढ़ में करीब 7 सीटों पर भाजपा के जीतने की संभावना है और 4 सीटों पर कांग्रेस के जीतने की संभावना है, और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में लहर दिखा था और उस दौरान 90 में से 68 सीट कांग्रेस ने जीती थी और उसके बाद से ही ये लग रहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव में भी ये परिणाम दोहराए जाएंगे, और जिस तरह से पिछले 3 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उन तीनों लोकसभा के जो चुनाव हुए थे बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से 11 में से 10 मनोज जी, जो भाई अब ताजा अपडेट मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा पाला पलट गया है। इस वक्त जो है कांग्रेस 5 पर आ गई और बीजेपी 4 पर आ गई। जी अब अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। देखिए बिल्कुल, अभी जैसा कि मैंने कहा कि ये डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है और इसमें जो बातें सामने आ रही हैं वो सही रुझान इसको नहीं माना जाता है। अभी कम से कम 1 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद जो है सही स्थिति जो है वो सामने आएगी। और जिस तरह से लगभग सभी एग्जिट पोल जितने अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया है, ज्यादातर लोगों ने जो है बीजेपी के फेवर में बताया है, ज्यादातर ने ये बताया है कि भाजपा 6 सीटों पर जीतेगी, 5 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। कुछ एक एजेंसी जरूर है जिन्होंने उल्टा बताया है, मतलब 6 कांग्रेस की सीट आएगी और 5 भाजपा की आएगी। हमारा अपना जो स्वराज एक्सप्रेस का एग्जिट पोल था उसके मुताबिक जो है 6 से 7 सीट भाजपा को मिलेगी और 4 सीट करीब कांग्रेस को मिलेगी। इस तरह का जो एग्जिट पोल के परिणाम है वो सामने आए हैं। तो अभी जो शुरुआती जो जानकारियां आई हैं उसके मुताबिक ये घट बढ़ रहा है, कभी 5 भाजपा 4 कांग्रेस या कभी 5 कांग्रेस 4 भाजपा, तो हमको थोड़ी देर अभी और इंतजार करना पड़ेगा जब ईवीएम के नतीजे आने शुरू होंगे। जी बिल्कुल। आरपी सर, इस वक्त भोपाल की अगर हम बात करें, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ताजा अपडेट के अकॉर्डिंग वो चल रही है आगे, दिग्विजय सिंह की जो बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से उनकी जो भाव थे वो अब कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस हार जीत को या फिर आगे पीछे जिस तरीके से प्रज्ञा सिंह ठाकुर अभी चल रही है? तो जैसे दीपक अभी मनोज जी ने बताया भी, ये डाक मतपत्र हैं और यहाँ पर जो काउंटिंग है बहुत कम होती है, और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी एक तरह से काफी गेन कर रही है, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, तमाम जगहों पर, और इन मतपत्रों की गिनती जब शुरू होती है तो सर मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त खजुराहो से बीटी शर्मा आगे चल रहे हैं 5,000 वोटों से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मध्यप्रदेश के रुझान आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर खजुराहो से बीटी शर्मा को उतारा गया था, नए प्रत्याशी थे, कहा जा रहा था कहीं ना कहीं हो सकता है कि भीतरी कलह भी सामने आए, लेकिन वो 5,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और आपको बता दें
और 7 सीटों पर यूपी में आगे चल रही बीजेपी, और साथ ही साथ एमपी में भी इस तरह से रुझान जो आ रहे हैं उसमें 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त के जो ताजा तरीन रुझान है, जो ताजा अपडेट है, वो आपको बता रहे हैं, जहां सर एमपी में 7 सीटों पर आगे चल रही बीजेपी और बीडी शर्मा खजुराहो से थे वो 5,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और कांग्रेस 2 पर है। चलिए आरपी सर, हम बात कर रहे थे, जो कि आप जिक्र कर रहे थे कांग्रेस की प्रत्याशी दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा, परछाई की आप बात कर रहे थे कि जो अभी डाक मतपत्र खुले हैं ये तो महज परछाई है। हाँ बिल्कुल, और देखिए क्या होता है कि अभी शुरुआत में अगर इसके ऊपर कयास लगाया जाए, बिल्कुल एक बात कहना कहा भी जाता है कि हांडी से एक चावल देखा जाता है पकने का, तो आप मान लीजिए अगर ऐसा है, लेकिन देखिए ये चुनाव है और ये अभी बहुत सारे चीज, बहुत सारा परिवर्तन होगा। कई क्षेत्रों में कोई बढ़त बनाता है तो किसी क्षेत्रों में घट जाता है, और ये लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में कयास लगा पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक वातावरण जरूर दिखता है कि कौन कौन आगे जा सकता है, कौन जीत सकता है। हम लोग बैठ के यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अंदर खाने में क्या बात चलती है, क्या मतदाता किस बात को नोटिस में लेता है, बहुत सारे देश में परिणाम 2004 में आप देखिए पूरा एकदम लहर थी, लहर के बाद भी बदलाव आ गया, तो देश में कब कौन मतदाता किस तरह से सोचता है और क्या करता है, हर दल अपनी अपनी जो है ब्रांडिंग करता है, हर दल अपने अपने आप को प्रचारित करता है, और कौन कितना सफल हो पाता, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चुनाव है या जो इस तरह की स्थितियां हैं, जब तक एक वातावरण नहीं बनाएंगे जनता पीछे नहीं जाती। निश्चित रूप से हम ये मान सकते हैं कि मोदी जी वातावरण बनाने में सफल रहे, लेकिन और भी छोटे छोटे पॉकेट में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी तरफ से उन्होंने ध्यान भटका करके राष्ट्रवाद पर ले आकर टिका दिया, और उसमें काफी कुछ सफल भी हुए। दीपक जी बिल्कुल, पन्ना से गणेश विश्वकर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता। गणेश, जिस तरह से पन्ना की अगर बात करें, बीडी शर्मा वहां आगे चल रहे हैं खजुराहो में, और एक अच्छी खासी बढ़त, 5,000 की बढ़त उन्होंने बना रखी है, क्या कुछ वहां पर और समीकरण देखने को मिल रहा है, क्या ये बढ़त बनी रहेगी, क्योंकि वैलिड पेपर ही अभी तक उनकी ही काउंटिंग हुई है। देखिए बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे खजुराहो लोकसभा सीट पर पहले राउंड की गिनती शुरू हुई है, और पहले राउंड में 2 विधानसभाओं की गिनती अभी हुई है, कुनौर और पवई, दोनों विधानसभाओं में अभी जो है बीजेपी प्रत्याशी बीडी शर्मा 5,000 की लीड लेकर के अभी आगे हैं, और भी राउंड अभी होने बाकी है, पन्ना का राउंड अभी खुला नहीं है, पन्ना का राउंड जैसे खुलेगा वैसे और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर बीडी शर्मा कितनी लीड लेकर के पहले राउंड में आगे जा रहे हैं, और साथ ही साथ जिस प्रकार से बीडी शर्मा जी यहाँ पर आए थे उनको कोई पहचानता नहीं था, लेकिन फिर भी उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस प्रकार से लीड मिल रही है और जनता ने यहाँ पर उनको मदद दिया है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बीडी शर्मा अभी कांग्रेस प्रत्याशी पर हावी होते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं। पहले राउंड में ही उन्होंने 5,000 की लीड बढ़त बढ़ाई दी थी। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर माहौल देखा जाए, अगर गणेश किस तरफ विहार चल रही, क्योंकि कहते हैं कि अभी परछाई की बात चल ही रही थी, और वहां पर परछाई जो कि 5,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं एक परछाई के तौर पर, हालांकि वह ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है ताजा तरीन अपडेट के अकॉर्डिंग, तो वहां पर जो काउंटिंग शुरू हो रही है, क्या लग रहा है वहां पर कि जो जनता का रुझान था वो बीडी शर्मा की तरफ या बीजेपी की तरफ था, इसके पीछे के कारण क्या थे वहां पर, क्योंकि मुद्दे दोनों ही पार्टियों के पास थे, बस फर्क सिर्फ इतना था कि बीजेपी के पास ज्यादा मुद्दे नहीं थे, सिर्फ एक राष्ट्रीय मुद्दा था, वह देश की रक्षा का मुद्दा। देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से मोदी के नाम पर वोट की है जनता ने, उनसे दिखना दी है, उसी हिसाब से जिस खजुराहो लोकसभा सीट पर मोदी की लहर जो थी वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, पहले राउंड से ही दिखाई दे रही है, और मोदी जो थे मोदी के नाम पर ही जनता ने यहाँ पर वोट किया है, क्योंकि हिसाब से दोनों विधानसभा जहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी कविता सिंह माना जाता है निवासी है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ है और वहाँ पर ही उनका बचपन बीता, लेकिन वहीं से अगर वो चुनाव मतलब पहले राउंड में ही अगर कुछ मतों से कम है, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि मोदी के नाम पर ही ये जो वोट मिला है, जो बीडी शर्मा जी को मोदी के ही नाम पर वोट मिला। चलिए गणेश, पूरी जो मतगणना की प्रक्रिया उस पर नजर बनाए रखिएगा, पल पल की जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। एक ताजा जानकारी आ रही है, ताजा अपडेट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको बता दें कि अमेठी से स्मृति ईरानी राहुल गांधी के आगे चल रही है। इस वक्त की जो ताजा खबर है, ताजा अपडेट है, वो हम आपको बता रहे हैं, उसे रूबरू करा रहे हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट जो कि कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, उसके जो शुरुआती रुझान है उसमें स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं। और हम आप बात करेंगे हमारे जो बैठे हुए पैनलिस्ट राकेश शर्मा जी, जो कि बीजेपी नेता है। राकेश शर्मा जी, जिस तरह से अगर देखा जाए बाकी मुद्दे तो सब हवा हवाई हो गए, खूब राहुल गांधी ने भी कहा कि चौकीदार चोर है, कई तरीके के जुमले आए, कई तरह के नारे आए, सारी चीजें आई,
लेकिन शुरुआती रुझान देखने पर और एग्जिट पोल को अगर देखें तो बीजेपी को बढ़त है। ये सारे मुद्दे दरकिनार हो गए और एक राष्ट्रीय देश की सुरक्षा का मुद्दा जो कि कई लोग जो मानते हैं कि वो एक सिर्फ एक दिखावा था, एक जुमला था, एक धोखा था, लेकिन फिर भी इस धोखे ने कमाल कर दिखाया। देखिए दीपक जी, हमारे बीच माननीय कुशवाहा जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश में बड़ा नाम है इनका, और जिस बात से इनने शुरुआत की उसी बात को मैं पहले थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूंगा। देश आजाद हुआ, नेहरू जी ने नारा लगाया हम गरीबी को हटाएंगे, और आज चार प्रधानमंत्री के बाद राहुल गांधी भी वही कह रहे हैं कि हम गरीबी को हटाएंगे। आज देश में पहली ऐसी सरकार आई, मोदी सरकार, जिनने गरीबों की ईमानदारी से चर्चा की, चिंता की। आप देखिए देश में गरीब व्यक्ति की आप कल्पना कीजिए, किसी गरीब के घर जाके देखिए, एक टूटी फूटी फूस की झोपड़ी में वो रहता था, और आज अगर उसको पक्का मकान मिला है और अगर वो मोदी मोदी कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जात का हो या किसी भी समाज का हो, मोदी मोदी कर रहा है, तो उसका कारण ये है कि उसका आज पक्का मकान बना है। उसने कभी कल्पना में नहीं सोचा था कि मैं इस फूस की टपरी से पक्के मकान में जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आज 1,55,00,000 अगर हमने गरीबों को मकान बना के दिए हैं तो आज हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज आप देखिए कि गरीब दिन भर मजदूरी करता था, फिर उसके बाद शाम को वो लकड़ी बीनता था, कहीं ना कहीं उसका चूल्हा जलता था, चूल्हे जलने से उसको कभी टीबी की बीमारी हो जाती थी, कभी फेफड़े खराब हो जाते थे, कभी आंखें खराब हो जाती थी। उससे छुटकारा दिलाने के लिए देश में हमने 7 करोड़ उज्ज्वला के सिलेंडर दिए। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भैया उज्ज्वला के सिलेंडर तो दे दिए पर वो अपनी टंकी रिफिल नहीं करा पाता था, तो हमने 5 किलो का सिलेंडर लॉन्च किया जो 269 रुपए का आ रहा है, जिसमें 79 रुपीज की सब्सिडी उसको मिल रही है। इतना सिलेंडर तो वो रिफिल करा सकता है। कांग्रेस ये क्यों नहीं बताती कि कांग्रेस कह रही है कि लगातार हम गरीबी की बात कर रहे हैं, तो आप कहते हो कि वो सिलेंडर नहीं भरवा पा रहा है। बिल्कुल 60 साल तक देश में आपकी सरकार। आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त, जो आपको बता दें कि ताजा अपडेट के अकॉर्डिंग जबलपुर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, और गुना में जो कहा जा रहा था कि यहां पर ज्योतिराज सिंधिया एक अच्छी खासी बढ़त से जीतेंगे और अच्छी खासी बढ़त बनाएंगे, लेकिन आपको बता दें यहां थोड़ा सा शुरुआती रुझान में मामला उल्टा दिखाई दे रहा है। यहां पर जो केपी यादव हैं वो आगे चल रहे हैं, ज्योतिराज सिंधिया पीछे चल रहे हैं, काफी अलग ही नजारे देखने को मिल रहे हैं जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं। और यहां पर जो हम आपको ताजा तरीन खबरें, आपको ताजा तरीन अपडेट आपको हम बता रहे हैं, तो हम लगातार आपसे बताते रहेंगे और लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे उन सभी अपडेट्स जो आपके लिए बेहद जरूरी है जानना स्वराज एक्सप्रेस पर, क्योंकि एक एक बूथ पर, एक एक जहां पर मतगणना की काउंटिंग हो रही है वहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो पल पल की ताजा तरीन और सटीक खबर हम अब तक पहुंचा रहे हैं, जो हम अब तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे राकेश जी, आप बात कर रहे थे यहां पर जिस तरह से जो गैस सिलेंडर बांटे गए और साथ ही साथ, लेकिन उससे पहले मैं आपको जबलपुर से बता दूं कि इस वक्त तो राकेश सिंह 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पहले राउंड की मतगणना पूरी हो गई है जबलपुर में, बीजेपी प्रत्याशी राकेश सिंह आगे चल रहे हैं 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, कि अच्छी खासी बढ़त धीरे धीरे बनाई जा रही है और कांग्रेस के विवेक तनखा से मुकाबला है जो कि एक वकील है पेशे से, और साथ ही साथ आपको बता दें कि पुराने प्रत्याशी भी ये कांग्रेस के हैं, और ऐसे में राकेश सिंह का एक गर्व माना जाता था ये बीजेपी। और गोरखपुर से उत्तर प्रदेश से जो खबर आ रही है, ताजा अपडेट आ रही है, उसमें रवि किशन जो कि भोजपुरी एक्टर हैं वो आगे चल रहे हैं। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है, और जो मुस्लिम यहां पर समुदाय था 10%, वो भी कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ झुका हुआ है, उसके परिणाम जिस तरह शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें रवि किशन आगे चल रहे हैं। और लगातार हम अपने पैनलिस्ट से सवाल जवाब कर रहे थे, जिस तरह से बात कर रहे थे सर आप कि यहां पर एलपीजी के कनेक्शन दिए गए लोगों से, उसके बारे में कुछ आप जिक्र कर रहे थे। देखिए मैंने कहा कि पक्के मकान, उज्ज्वला के तहत गैस के सिलेंडर, शोभावती योजना के तहत 15 करोड़ गरीबों के घर बिजली पहुंचाई। मैं एक प्रश्न ये निकल के आ रहा है कि आज अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो आपके चैनल पे बता रहे हैं कि 29 में से 10 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार आगे नहीं चल रहा है। दिग्विजय सिंह जी की बात कर ली जाए, सिंधिया जी की बात कर ली जाए, ये लंबे वोटों से पीछे चल रहे हैं। आप देखिए खजुराहो, जिस सीट का पूरे मीडिया ने लगातार जिक्र किया कि साहब वहां इतनी गुटबाजी और यहां ऐसा हो रहा है, वहीं आपके चैनल पे बताया जा रहा है कि 5,000 से अधिक वोटों से खजुराहो में बीडी शर्मा जी आगे चल रहे हैं। तो आप देखिए
मैं पिछली बार विधानसभा चुनाव में आपके चैनल पर यहीं बैठा था, उस दिन डाक मध्य पत्रों की जब गिनती आई तो कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें पीछे हुई, क्योंकि ये माना जाता था कि कर्मचारी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकाव रखते हैं, और अगर कर्मचारी में हम पीछे हुए थे तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ये एहसास हो गया था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में सरकार नहीं आ रही। आज उसी के उलट आप देखें, डाक मत पत्र की गिनती जैसे ही शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा बढ़ता गया। एक बात जो माननीय कुशवाहा जी ने कही कि ये कहीं ना कहीं इस बात को इंगित कर रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी होता है दिन भर में हजारों लोगों से वो संपर्क में आता है, वो हिंदुस्तान में हमारी एक एक जिज्ञासा रहती है। मैं भी दिन भर जब सड़क पर घूमता था, आम लोगों से मिलता था, तो पहला प्रश्न ये रहता था, आपने किसको वोट दिया, किसकी सरकार आ रही। तो सरकारी कर्मचारी भी अगर मानव जो मैं कहना चाहता हूं वो पूछता था जो उसके पास आते थे हजारों लोग कि भैया किसकी सरकार आ रही है, कैसा माहौल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको ये समझ में आ गया था कि देश में मोदी जी की सरकार आ रही है। और जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों के मतों से भाजपा आगे चली है उसके बाद आप देखिए हमारा आंकड़ा आगे बढ़ता जा रहा है। आप जब हमारी बात शुरू हुई तो कहा गया कि ये तो डाक मत की शुरुआत है, पर हांडी में से जब एक चावल उठा के देखते हैं और अगर वो पका हुआ लगता है तो पूरी हांडी के चावल पक जाते हैं। वैसे ही हमारी एक एक सीटें बढ़ती जा रही हैं और हमारे उम्मीदवार एक हांडी के एक चावल से पता चल जाता। लेकिन छोटे कहावत भी, हमने एक कहानी भी पढ़ी थी, कछुआ पीछे जो स्लो चल रहा था वो आगे निकल जाता और खरगोश जो कि आगे चल रहा होता वो पीछे रह जाता है। ये कहानी भी अगर देखें जहां आप मार रहे हैं कि हांडी के एक चावल की, तो ये भी कहीं ना कहीं साबित होती है। जी आपने बताया जबलपुर में माननीय अध्यक्ष जी 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं जी, तो अब आप कहानी किस तरह से देखना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, पर मैं तो ये कह रहा हूं कि हांडी का एक चावल देखकर ये मालूम चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आ रही। मैंने गिनाया कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या योजना चलाई और लोगों को किस तरह से आकर्षित किया। मैं बहुत समय से लगातार सुनता था कि मध्यम वर्गीय परिवार में ये चर्चा होती थी कि जो टैक्स का स्लेब है उसको में 50,000 बढ़ जाना चाहिए, मतलब छूट मिलना चाहिए, 1,00,000 की छूट मिलना चाहिए, और सीधे जब 5,00,000 की छूट मिली और उनके चेहरे पर जो खुशी आपके चैनल पर मैंने लोगों की देखी थी, आपके चैनल पर कई लोगों का इंटरव्यू दिखाया गया था कि 5,00,000 की टैक्स में रिवेट मिली है, छूट मिली है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो जो खुशी मध्यम वर्गीय को मिली उसको भी देख लें। 40,00,000 की कहीं ना कहीं जो आम व्यापारी था उसको जीएसटी में छूट मिली तो उस व्यापारी के चेहरे पे खुशी आई। ये छोटी छोटी खुशियों से मिलकर आज हमें ये उपलब्धि मिल रही है कि हमारे चेहरे पे हंसी आ रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष के चेहरे पे मायूसी आ रही है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आप देखिए कि लगातार आज ईवीएम पर हमला करना कांग्रेस ने और अन्य विपक्ष के दलों ने बहुत तेजी से कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश की बात कर लें, 29 सीटें मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, राजस्थान में 24 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 24, ऐसे अगर गिना जाए तो 10 प्रदेश जहां पे 277 सीटें हैं वहां पे कहीं ना कहीं विपक्षी दल की सरकार है। आप मुझे बताइए हम कैसे टेम्परिंग कर लेंगे, हम कैसे ईवीएम में कुछ गड़बड़ कर लेंगे। ये तो ये जो बहाने हैं ये जनता का अपमान है। वो जनता जिसने 45 डिग्री सेल्सियस रूप में जाके वोटिंग करी उन कर्मचारियों का अपमान है जो एक दिन पहले अपना घर छोड़कर मतदान करने। लेकिन कुछ भी मानो, चाहे मकान बनाए हो चाहे आपने टॉयलेट बनाए हो, लेकिन लास्ट में आपके सर्जिकल स्ट्राइक खेल करके लग रहा है। चलिए मनोज जी भी जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से लगातार हमारे साथ, और जिस तरह से मनोज जी ताजा रुझान जो है वो भी आपसे जानना चाहूंगा, और साथ ही साथ जैसे कि यहां पर बात आ रही थी कि एयर स्ट्राइक की और राष्ट्रीय मुद्दों की, तो यहां पर चूंकि छत्तीसगढ़ में एक 60% ऐसा इलाका आता है, एक ऐसे क्षेत्र आता है ग्रामीण जिसमें से किसान लोग ज्यादा ताल्लुकात रखते हैं, क्या उन्हें एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना था, या फिर जो उनके स्थानीय मुद्दे थे जिन्हें भुनाने की कोशिश भी की और भुनाया भी यहां पर कांग्रेस की सरकार ने? देखिए, दो तीन शहरी क्षेत्रों को छोड़ दे तो यहाँ पर ज्यादातर जो आबादी है वो ग्रामीण आबादी है। तीन लोकसभा इलाके ऐसे हैं जहाँ पे शहरी वोटर ज्यादा हैं, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, ये तीन लोकसभा क्षेत्र में शहरी वोटर निर्णायक हैं। बाकी जितने अन्य 8 लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर ग्रामीण मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, और यही वजह है कि सरकार बनाते ही जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं उन्होंने ये फोकस किया था कि लोकसभा चुनाव में जो ग्रामीण वोटर हैं वो उनका फेवर करें, जो किसान वोटर हैं वो उनका फेवर करें, और इसकी बदौलत जो लगातार पिछले तीन लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को केवल एक सीट मिलती थी, और इस बार काफी मेहनत किया कांग्रेस की सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने कि उनकी सीट बढ़े,
तो ये सीट बढ़ते हुए नजर तो आती है, लेकिन जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था ठीक विधानसभा चुनाव के बाद, सरकार गठन के बाद, और जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले लिए सरकार ने किसानों के फेवर में, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो या धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात हो, 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान की खरीदी की गई थी, और ऐसे बहुत सारे फैसले लिए गए जिससे किसानों को काफी फायदा हुआ, और उस समय ऐसा लग रहा था कि किसानों के वोट एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में पोलराइज होंगे, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में हवा चली एयर स्ट्राइक और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो हवा चली, उसका असर ग्रामीण इलाकों में भी देखा गया, ये बड़े आश्चर्यजनक बात है। और हमारी टीम ने जब पूरे प्रदेश के हर लोकसभा इलाकों का दौरा किया और वहां पे लोगों से बातचीत की, तो 10 में 7 लोग, यहाँ तक कि लुंगी और धोती पहने हुए लोग भी जब राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करने लगे, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य था हमारे लिए कि ये जो मुद्दे हैं वो गांव तक पहुंच गए हैं, और इतना सब सरकार ने किसानों के लिए किया, बावजूद उसके किसानों को ये कहते देखा गया कि नहीं, हमारे लिए देश ज्यादा बड़ा है, और इस तरह की बात जब आई तो निश्चित तौर पर लगा कि यहाँ भी जो अंडर देश में चल रही है वो करंट यहाँ भी देखा गया। जबकि नवंबर में ही जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें देखा गया था कि एक तरह से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया था, और जो 15 साल सत्ता में यहाँ पर बीजेपी थी वो केवल 15 सीटों पर सिमट कर आ गई थी, और कांग्रेस ने 3/4 बहुमत से सरकार बनाई थी, और उसी के आधार पर ये आकलन उसी समय से लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में इसका एडवांटेज कांग्रेस को मिलेगा। एडवांटेज मिल भी रहा है, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक 4 से 5 सीट कांग्रेस को आ सकती है, जो कि 1 के मुकाबले काफी अच्छा है। और जिस तरह से दूसरे राज्य जो पैरेलल नवंबर में जो चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुए थे, राजस्थान में भी चुनाव हुए थे, मनोज जी अगर बात करें जो भी हाल ही के आंकड़े आ रहे हैं वो 5-6 का रेशियो चल रहा है, 6 पर कांग्रेस चल रही है, 5 पर बीजेपी चल रही है, क्या ये आंकड़ों में बदलाव हो सकता है? जिस तरह से जो अभी हाल ही रुझान आ रहे हैं 11 जो सीटें हैं उस पर ये कंप्लीट हो चुकी है वाली वोटिंग की मतगणना। देखिए अभी बेहद शुरुआती आंकड़े हैं, अभी इसको एक ट्रेंड बताना जो है वो सही नहीं होगा, कम से कम 1 घंटे और रुकना होगा, और उसके बाद क्योंकि कुछ लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बहुत टफ फाइट है, इसके अलावा एक ही लोकसभा के अंदर अलग अलग बेल्ट होता है, कहीं पे बीजेपी के प्रभाव वाला क्षेत्र होता है, यदि वहां पे शुरू में उस इलाके की ईवीएम खोली जाती है तो वहां बढ़त दिखाया जाता है, और फिर बाद में ऐसा होता है कि जो है दूसरे जो पैच आते हैं वहां पर ये लीड जो है वो बदल जाती। पिछले चुनाव में बहुत एक आश्चर्यजनक तथ्य ये देखा गया था कि अजीत जोगी जो महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, वो एक दौरान जो है 35 से 40 हजार वोट की बढ़त बना चुके थे, और एक जो विशेष इलाके की ईवीएम खोली गई तो वो न सिर्फ उस लीड को खत्म किया भाजपा के चंदूलाल साहू ने, बल्कि जो है बाद में जीतने में भी सफल हुए। तो अभी शुरुआती तौर पे एकदम इसको ट्रेंड बताना सही नहीं होगा, जल्दबाजी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने मनोज जी, और आपको बता दें यूपी की तस्वीर आपको बता दें, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आया है, थोड़ा सा बदलाव आया है, और आपको बता दें हालिया रुझान में 28 पर बीजेपी चल रही है, और साथ ही साथ गठबंधन 8 पर है और कांग्रेस 1 पर है, और साथ ही साथ छिंदवाड़ा में नत्थन शाह आगे चल रहे हैं 700 वोटों से। ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा, जहां पर नकुलनाथ यानी कि सीएम कमलनाथ के बेटे हैं, जो कि उनकी गढ़वीय सीट मानी जाती है, और शुरुआती रुझान में वहां बीजेपी के नए प्रत्याशी नत्थन शाह आगे चल रहे हैं 700 वोटों से। जैसे जैसे मतगणना की गिनती आगे बढ़ रही है डाक मतपत्रों की, वैसे डाक मत पूरे हो चुके हैं, आपको बता दें ईवीएम की जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है, और जो शुरुआती रुझान में बीजेपी लगभग लगभग हर जगह से आगे चल रही है। वक्त बिलाल छोटे से देखकर सत्ता के संग्राम कहीं मत जाएगा, नजरें टीवी पर ही टिकाए रखेगा। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो।